Hey viewers, hope you all are doing absolutely great. और अभी हम लोग आ पहुंचे हैं हॉस्टल के अंदर. जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये भाई अपना सो रहा है, ये है अपना मोनिक भाई, उधर है श्रेयांश भाई, और ये है जिमित भाई, और ये है अपने दवे भाई. दवे भाई, ये बादाम किसके लिए लेके जा रहे हो? ये है पार्सल वाला के लिए. मतलब याद बात नहीं रहता, एग्जाम आ रही है इसलिए. ऐसा ही समझ ले. किसको? आपको आपको याद नहीं रहता कि वाला को याद नहीं? वाला को याद नहीं. अच्छा, इसीलिए. कितने कि कितने ग्राम खाएगा तब उसको याद रहेगा? ये पता नहीं है. अभी 500 ग्राम है ना? 500 ग्राम. तो दोस्तों, अभी अभी मुझे पता चला है कि 500 ग्राम बादाम खा के एग्जाम देने से ऐसे सारे पेपर अच्छे से निकल जाते हैं ना. 450 रुपए की बादाम है. 450 रुपए की बादाम. 452 और एग्जाम पास करो. पास करो है ना. तो दोस्तों, फिर वो पेपर ऊपर नहीं फोड़ने के इस बार अपन और हालांकि अभी हम लोग है सी ब्लॉक वाले हॉस्टल के अंदर, है ना मोनिक भाई? तो अभी हम लोग सी ब्लॉक के अंदर खड़े हुए हैं और अभी बज रहे हैं 1, और अभी हम लोग शायद जाएंगे करमसद वाले कॉलेज पर, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे. अरे और अभी हम लोग जाएंगे करमसद वाले कॉलेज के ऊपर, वहाँ पर भी हमारे थोड़े बहुत लेक्चर्स होते हैं, तो वो भी आज अटेंड करना है. सुबह सुबह में तो 3 लेक्चर थे, वो सारे के सारे अटेंड कर लिए थे, और देखते रहे आगे कैसे क्या चलता है. ये भाई देखो, एकदम ऐसे सो रहा है. निकुंज भाई, आना नहीं है क्या कॉलेज? आते हैं. तो फिर चलो भाई, हम लोग तो निकल रहे. 1:30 बज गया, 2 बजे का लेक्चर है. उधर करमसद पहुँचते पहुँचते भी अभी तो बहुत टाइम हो जाएगा. निकल गए. चलो ठीक है, चलो आओ. तैयार तो हो, अभी कपड़े वपड़े पहन लो, बाद में आएंगे. तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं. ये है अपने मोनिक भाई. आज हम लोग मोनिक भाई के साथ जाने वाले. यस. तो मोनिक भाई, अभी पहले कहाँ पर जाना है? थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करना है कि नहीं करना है? नाश्ता तो मेरे को तो नहीं करना, आपको करना है तो चलते हैं. अरे थोड़ा थोड़ा कर लेते, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा बहुत नाश्ता करके चलते. तो क्या, फिर 5 बजे तक लेक्चर रहेंगे अपने, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है यार. वो क्या मन नहीं लगता है फिर क्लास में, आप लोगों को भी पता ही होगा ऐसे इतना सारा वो करके. और ये है अपना अंकल. क्या अंकल, अच्छा है ना? मजा मजा. ब्लॉग देखते हो कि नहीं मेरे? देखते हो ना, मजा आता है ना. तो दोस्तों, अपने ये चाचा भी अपने ब्लॉग देखते हैं कभी कभार ऐसे बीच में आ जाए तो. और अभी तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ये वाला अपना पूरा हॉस्टल का पार्किंग वार्किंग है, और पहुंचते हैं उधर. पहले थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने के लिए खड़े रहेंगे. दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं करमसद मेडिकल कॉलेज, मतलब ये है प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज, मतलब ये है हॉस्पिटल वाला गेट है द हीलिंग ट्री का. और यहाँ पर इसके पीछे ही हम लोग आते हैं. यहाँ पर हमारे कुछ लेक्चर्स होते हैं, और वो क्या कैसे होते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर सारा का सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो. पर हाँ, ये वाला पूरा सीन रहता है ना मोनिक भाई? यस भाई. और अभी तो आगे जाना है, चलो आगे ले लो ये. सब भाई लोग खड़े रह गए होंगे. अभी तो हम लोग ही सबसे पहले पहुंचे, कोई आया नहीं है वैसे. और ये है पूरा कैंपस. यहाँ पर आगे हॉस्पिटल भी, इमरजेंसी वार्ड भी है, हॉस्पिटल भी पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं. और इस तरफ अपनी आयका का यूनिवर्सिटी का पूरा डिपार्टमेंट है. और ये देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था ना अभी कि यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे. ये है प्रियंका. प्रियंका हाय बोल दो सबको. ये है प्रियांशी और ये खिलन.
इट्स के पी पावर, इसका इंस्टाग्राम है, अगर आप लोगों को चाहिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप ऐसे वो विजिट कर सकते हो, है ना भाई। इधर देखो ना यार, क्या ऐसा कर रहे हो, सब आओ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस बस एक नंबर। तो दोस्तों यही है पूरा कैंपस, अभी तो इधर थोड़ी देर खड़े रहेंगे और 2 बजे का टाइम है ना, तो 2 बजे को निकल लेंगे, 3 घंटे के लेक्चर से 4:30-5:30 को छूटने वाले। मोनिक भाई का तो अभी लेक्चर खत्म हो गया, किधर जा रहे हो मोनिक भाई? मैं डाकोर जा रहा हूँ। किसके साथ? निकुंज भाई के साथ। तो निकुंज भाई नहीं आ रहे? निकुंज भाई आ रहे हैं ना मेरे को लेने, मतलब इधर नहीं आ रहे ना कॉलेज? ठीक है चलो मिलते हैं ना भाई, चलो मिलते। अचानक से ही बारिश गिरनी शुरू हो गई है, ये देखो भाई 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 भाग रहा है, बहुत ही बारिश गिर रही है। चलो भाई अंदर नहीं जाना है क्या, इधर ही खड़ा रहना है? बहुत ही बारिश गिरनी शुरू हो गई है अचानक से ही, और बारिश में विद्यानगर में बहुत ही बढ़िया माहौल हो जाता है। जो लोग यहाँ पर रह चुके हैं और जो लोग नए नए रहने आए हैं अभी इस मौसम में, उन लोगों को शायद पता ही होगा। और करम सत साइड तो मतलब क्या ही मैं आपको बताऊँ, आप एक बार आइए और फील कीजिए। तो अभिराज आ चुके हैं, चलो अभिराज जाना है ना कॉलेज में। ये अपने ऐसे सीआर है, ये ऐसे अपने सीआर है, ये अपने सीआर है क्लास के, मैं आपको बता दूं तो सारा मैनेजमेंट इन्हीं के पास से होता है, कब कौन सा लेक्चर अटेंड करना है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कहाँ जाना है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना अभिराज? बहुत सारी मतलब अभी नहीं नहीं अभी अभी चलते है, 2 बज गए ना। और देखो इन लोगों को आना ही नहीं है, मतलब ऐसे बंक मारने के लिए आते हैं ये लोग, और पढ़ना वढ़ना है नहीं, घर से भेज दिया है। और ये रहे अपने अभिराज, चलो ना अभिराज भाई। लोगों को लेके चलते। किसको? सबको। सबको? अकेले में क्या दिक्कत होती है क्या? नहीं ब्रो, तो फिर सबको लेके चलना चाहिए। हाँ वो तो है, फिर बाद में भले अकेले पढ़ जाए। वो तो वैसे भी अकेले ही पढ़ जाते हैं बाद में, तो कोई भी चीज हो तो क्या। तो ये है अपना पूरा कैंपस वैम्पस। डीजे हम लोग पहुंच गए हैं अपने क्लास में, इधर ही हमारी पढ़ाई वढ़ाई का सारा काम काज होता है। क्या नरेंद्र भाई? हाँ बोलो। बढ़िया हो ना? हाँ। लास्ट में नहीं बैठना है, मतलब यही लास्ट है यार, अपने क्लास में 10 ही जाने हैं, यही लास्ट है ना, सेकेंड लास्ट पे बैठते। ओ भैराज भाई किधर किधर किधर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या चल रहा है, इनका तो पता नहीं पर सबके सब फोन में लगे हुए हैं। दोस्तों एकदम भारी भक्तों वाले संसार है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अपना ये भाई देखो, वन प्लस का कैलकुलेटर लेके आ गया है। क्या भाई वन प्लस का कैलकुलेटर कहाँ से लेके आया? इम्पोर्टेड है ना, देखो। और क्लास बिल्कुल एकदम चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हो इन लोगों ने बंक मारा है, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और हालांकि अभी हमारा हो गया है ब्रेक, और अभी हमारा हो गया है मेरा भाई ने चश्मा तोड़ डाला है, पूरा दिन लगा के घूमता था, मैंने उसको ना बोला था कि मत लगा के घूमता, उसको किया लेकिन तो भी टका हुआ है, टिका हुआ है। कोई बात नहीं, अभी तो हमारा छोटा सा है, अभी यहां पे थोड़ा मैच नहीं खाता है, लेकिन हम थोड़ा कोशिश कर, बस मैथ का स्पेलिंग ही आता है, कुछ आता ही नहीं, एमएटी एचएस ही आता है, और उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ मैथ का स्पेलिंग ही आता है, उसके आगे मैथ्स आता ही नहीं है, वही अभी हम फंस गए, बहुत ही दिक्कत में है दोस्तों, क्या ही बताए, पर कोई बात नहीं, करते हैं अभी पहले चाय का जुगाड़ करते हैं ना अभी रात में, चाय पियेंगे, चलो। और दोस्तों ऐसे बढ़िया चाय आ गई है, अभिराज लेके आओ। और ये अपने भाई लोग थके हारे सब ऐसे चाय का लुत्फ उठाते हुए, क्योंकि समझ में क्या हुआ था भाई, सच सच बताना। अरे भाई दिमाग घूम रहा था, दिमाग घूम गया ना पूरा का पूरा, कुछ समझ नहीं पड़ रही थी ना, कुछ भी समझ नहीं पड़ रही थी ना। अरे बहुत ही दिक्कतों के बाद सब लोगों ने ऐसे मिल के थोड़े बहुत आंसर्स लाने की कोशिश की है, पर आंसर फिर भी नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ जाते हैं, बीच में जाके फिर अटक जाता है ना अभिराज? कोई बात नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं अभी तो, डिप्रेशन में अभी, अभी तो ऐसा धीरे धीरे कर रहे हैं, फिर देखते हैं एग्जाम टाइम पे क्या होता है। दोस्तों फाइनली लेक्चर्स खत्म हो गए हैं, और मतलब सब लोग ऐसे भागे मत ही पूछो,
किसी को समझ ही नहीं पड़ रही लेक्चर के अंदर, क्योंकि बहुत ही टफ पढ़ रहा था सॉन्ग्स और ये सब बायो स्टेटिस्टिक्स और ये सब। तो सब लोग ऐसे भागे हैं ना कि कोई ऐसे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है अपने वाला, तो है ना। मैं और सिर्फ कैश भाई, तो कैसे आपका कैसा रहा पूरा दिन, मतलब ये जो दो लेक्चर थे वो फिर कैसे निकले? मैंने तो कुछ किया नहीं लेक्चर में, खाली योगी भाई की मदद करी हमने तो। मैं तो खाले बुक खोल के बैठा था, कैलकुलेट कर रहा था, जो आया वो उनसे बोल रहा था और हो गया ना सब कुछ। काट देना काट दे। तो दोस्तों ऐसे एकदम अभी देखो ये अपने लौंडे जा रहे हैं। तो आते वक्त तो मोनिक भाई थे, पर अभी हमारे साथ श्रेयांश भाई है और हमारे फ़ोन के अंदर चार्जिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सो डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, टिल देन स्टे ट्यून्ड। और ऐसे ये वाली कॉलेज सीरीज पूरी देखिए, मैं रोज़ के रोज़ डालता रहूँगा क्या है क्या नहीं। आज तो करम सदमे था, कल की जब सैम्पलिंग के लिए जाना है तो उसका भी एक छोटा सा व्लॉग बना के डालूँगा, तो देखते रहे, आपको मज़े आते रहेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।